गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है उसमें हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज से उनका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि कोई दोरजी है, रेस्टोरेंट के मालिक, उसके पास 3 बोतल है। उसको खुद को ये नहीं पता कि कौन सी में एसिड है, कौन सी में बेस है और कौन सी में न्यूट्रल यानी उदासीन सॉल्यूशन है। तो वो किसकी सहायता से उन जो ड्रिंक है उनको पहचान करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोरजी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, यानी कौन से में एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन से में बेस, कौन से में न्यूट्रल, इसके लिए वो किसका यूज करेगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को हिंदी में भी लिटमस पत्थर ही कहते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट है क्या, पहले वो लेगा लिटमस पेपर और एक बोतल में डालेगा। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, ठीक है। और यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक। और यदि किसी बोतल के अंदर दोनों ही लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। आगे समझ में, ये 3 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन के। अब एट्थ का क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है बेटा, तो आज हम सिर्फ ए पार्ट करेंगे, जो बच जाएंगे 2 वो कल करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट है ए, एन एंट एसिड टेबलेट, या एंट एसिड टेबलेट मीन्स एसिड अमल को रोकने के लिए प्रति अमल की गोलियां जो ली जाती हैं उनको कहते हैं एंट एसिड टेबलेट्स, ठीक है। जब हम एसिडिटी से यानी अम्लीयता से गुजर रहे होते हैं या पीड़ित हैं तब हम एंट एसिड टेबलेट्स या प्रति अमल की गोलियां क्यों लेते हैं। कई बार तुमने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पेट में तेजाब बन रहा है या खट्टी डकारे आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से आती हैं, एसिडिटी की वजह से आती हैं। और उनको रोकने के लिए कौन सी टेबलेट लेते हैं, एंट एसिड टेबलेट्स या प्रति अमल की गोलियां, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने कि जो हमारा आमाशय है, स्टोमक है, वो एक अम्ल उत्पन्न करता है और उस अम्ल को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जब हमारे स्टोमक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्सेस अमाउंट में मीन्स जरूरत से ज्यादा मात्रा में जब रिलीज हो जाता है या स्रावित हो जाता है तो किसकी, अपाचन, इनडाइजेशन, ये इनडाइजेशन है बेटा, अपाचन की अवस्था या अपाचन की उससे गुजर रहे होते हैं, ठीक है। इस अपाचन को, इनडाइजेशन को खत्म करने के लिए या फिर इसके दर्द से राहत पाने के लिए हम कुछ टेबलेट्स लेते हैं, और वो टेबलेट्स जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, बेसिड से बनी हुई होती हैं, ठीक है, यानी क्षार से बनी हुई होती हैं। और वो क्षार की जो टेबलेट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, एंटा एसिड टेबलेट्स कहते हैं। एंटा एसिड टेबलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइल्ड बेसिस यानी मृदु क्षार होते हैं, जिनका हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हमारे किसी प्रकार का कोई टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होता है जहरीला प्रभाव, और जहरीला प्रभाव यहाँ क्या होगा, एक तरह से साइड इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जब टेबलेट्स लेंगे तो ये क्या करेंगे, एंट एसिड टेबलेट्स यानी बेस और ये क्या है, एसिडिटी, दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीन हो जाएगा तो क्या होगा, हमें वो दर्द नहीं रहेगा। 2 पार्ट बच गए, ये कल करेंगे। थैंक यू।